कुत्सिया कुत्सिया बेटा जी अम्मा, क्या कर रही थी? वो मैं दोस्त से नोट्स का पूछ रही थी। आजकल क्लासेस मिस कर रही हूँ ना, वो बेगम साहिबा के घर जाने की वजह से। हाँ, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है ना। हाँ, हो तो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी कि अब तो आपकी तबीयत काफी बेहतर है, तो कल से आप जा सकती हैं काम पे। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है वहाँ? नहीं नहीं मैं इसलिए बोल रही थी कि वो पढ़ाई की वजह से ही कह रही थी, और तो कुछ नहीं। हाँ बेटा, इस बात का तो एहसास मुझे भी है। मैं खुद नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी अपनी जिद थी। लेकिन खैर, तुम्हारे अब्बा ने मुझे कल डॉक्टर के पास लेकर जाना। कल का दिन तुम किसी तरह चले जाओ, परसों से मैं खुद जाऊंगी। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए कावा बना के लाती हूँ। आज इब्राहिम को मैं प्रपोज करूंगी। हनाया, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। इब्राहिम तुम्हें देखेगा तो खुद तुम्हारी तरफ खींचा चलाएगा। आज मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगी, वो बात जो हमेशा से मेरे दिल में थी, वो सब वहां पे आ जाएगी। जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक ये मुझे कंप्लीट चाहिए। इसकी डेट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बता दूंगा। क्लास डिसमिस। कुत्सिया, कहाँ जा रही हो? यार मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा कजन आया हुआ है। हाँ, लंदन वाला। यार लेकिन ये सब कितने दिन चलेगा? बस 2-3 दिन और। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल भी लेट हो गई थी। तुम तो ऐसे करिए कुत्सिया, जैसे तुमने घर नहीं किसी के ऑफिस पहुँचना है। नहीं, पहले मुझे लाइब्रेरी जाना है, कुछ नोट्स बनाने हैं, फिर जाऊंगी मैं। अच्छा चलो, फिर मैं भी चलती हूँ, बाहर कॉरिडोर में बैठ जाऊंगी। यहाँ बैठ के क्या करूंगी? ठीक है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन, एक बार। कहीं इब्राहिम को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, मगर कैसे? अच्छा प्लीज कहिए, क्या कहना है आपको? यहां नहीं है, कहीं आराम और इत्मीनान से। हाय रिदा। ओ हाय अनाया, कहाँ रह गई थी तुम? मैं इब्राहिम को ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं,
मैंने तो नहीं देखा उसे। तुम्हें पता है मैं आज उसे अपने दिल की बात कह देने वाली हूँ। अच्छा रियली? तो मुझे बताओ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन थोड़ी लिपस्टिक फ्रेश कर लो। ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कहिए ऐसी कौन सी बात है जो आपको मैं आराम और इत्मीनान से करनी थी? मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों सब कुछ भुला कर हाथ मिला लें, दोस्ती करें? और उससे क्या होगा? मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई बहाना नहीं तलाश करना पड़ेगा और यूं तुम्हारे पीछे भागना भी नहीं पड़ेगा। हम कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं, फोन पर, चैट पर, कहीं भी मिल सकते हैं अगर तुम चाहो। देखें ब्राइन, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी तो दोस्ती का जवाब ही नहीं बनता। मगर क्यों? क्योंकि मैं लड़के लड़कियों की दोस्ती के कायल नहीं। ऐसी दोस्तियों में सिर्फ दोनों तरफ बिगाड़ ही पैदा होता। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया। अब प्लीज ना मुझसे बात करने आएगा और ना मेरा रास्ता रोकेगा। लेकिन मैं हमारे ताल्लुक को दोस्ती से भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। सच में मोहब्बत हो गई मुझे तुमसे। तुम चुप क्यों हो कुत्सिया? कुछ कुछ कहो ना। क्या जवाब हूं कि मैं तुम्हारे घर में? शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? चार दिन की जान पहचान को आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं? मैं ऐसी मोहब्बत पे यकीन नहीं करती, इसीलिए मैं लड़के लड़कियों की दोस्ती की कायल हूं और ये बात मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई भी क्या है? देखो देखो मैं तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्यालात की इज्जत करता हूँ, बट ट्रस्ट मी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम एक पढ़ी लिखी, ब्रॉड माइंडेड बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हो। फिर तुम्हारी सोच इतनी कंजर्वेटिव कैसे हो सकती है? आपको मेरी सोच कंजर्वेटिव लगती है? ये आपका मसला है, मेरा नहीं है। आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोचें, और बेहतर यही होगा कि आप अपनी मोहब्बत के आगे यहीं बंद बांधें, वरना अक्सर ऐसी मोहब्बतें सब कुछ बहा ले जाती। चाहे हमको दिल में रख लो, चाहे भुला दो, संग जो गुजारे लम्हे उनको जला दो। ये भी तो ना चाहे कभी हमको सिला दो, पूछे कोई गम का पता हमसे मिला दो। टूटे हुए मेरे दिल को कौन संभाले, गम की काली रातें लेके दे मुझे उजाले। कर दिए हैं ख्वाब अपने रब के हवाले। नैना रे नैना
लेकिन मैं हमारे ताल्लुक को दोस्ती से भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। ये तो मेरी हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ है। ये तो ये भी नहीं जानता कि मैं इसी के घर में काम करने वाली मासी की बेटी हूँ, जो आजकल इसके घर में अपनी माँ की जगह काम करने आती है। चाहे हमको दिल में रख लो, चाहे भुला दो, संग जो गुजारे लम्हे उनको जला दो। ये इसे अनाया को क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों है? यूनिवर्सिटी में फिर किसी से झगड़ा हो गया होगा, ये तो चलता रहता है। मगर क्यों? आप तो जानते हैं साहब जी, इन्हें गुस्सा कितनी जल्दी आता है। आप परेशान ना हो, शाम तक ठीक हो जाएंगे। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया। अब प्लीज ना मुझसे बात करने आएगा और ना मेरा रास्ता रोकेगा। लेकिन मैं हमारे ताल्लुक को दोस्ती से भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते इब्राहिम। मैं इस कुत्सिया को तुम तक कभी होने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से और इब्राहिम के दिल से और उसकी जिंदगी से निकाल कर दूंगी। कौन? मैं हूं बेटा। जी पापा। वो कुछ गिरने की आवाज आई थी। वो कोई चीज गिर गई थी मुझसे। Are you okay? Yes, I'm good. या अल्लाह, ये सब क्या है? पहले यहाँ घर पर इब्राहिम का यूं मुझसे सामना और अब उसका मुझसे यूं मोहब्बत का इजहार, क्या है ये सब? मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने अम्मा अबा का ख्वाब पूरा करना है। अब अगर इब्राहिम के सामने मेरी सच्चाई जाहिर होगी तो क्या करूँगी मैं? कैसे सामना करूंगी उसका? मैं तो ये सब यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपना भरम रखने के लिए कर रही हूँ। मैं किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अरे पिताजी, क्या कर रही हो? पालक कहीं ऐसे कटती है? वो मैं अभी सही करके काट देती हूँ उसको। अच्छा छोड़ो उसको,
भैया रस मलाई बना लो, छोटे साहब को बहुत पसंद है। ये छोटे साहब कितने बजे तक आते हैं? वैसे तो 4 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार जल्दी भी आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी नेबर हैं, इतना तो चलता है। आइए रहमत, बाहर खाद आ गई है, वो जाके देख लो। और ये हमारी नेबर है, इनको थोड़ा सा एलोवेरा चाहिए, वो दे दो इनको। ठीक है जी, बेहतर। ये बहू है आपकी? नहीं नहीं, मेरा बेटा तो अभी पढ़ रहा है। ये तो हमारे यहाँ काम करने आती है ना हाजरा, उसकी बेटी है, यहाँ खाना बनाने आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लगता, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हाँ कुत्सिया जी, ये हमारी नेबर है, इनके लिए चाय बना के लिया जी। आइए आप लाउंज में बैठते हैं। थोड़ा सा खाना खा लो। कितनी तकलीफ हो रही है तुम दोनों को मेरी वजह से। अरे काहे की तकलीफ, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, वो बेटी है, तकलीफ किस बात की? अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी जब खालिद अपने चचा का बाजू बनकर साथ खड़ा होगा। अब कौन सा बहाना है मैं जलील करने का? हाजरा कैसी बातें कर रही हो तुम? रशीद मेरा देवर है, भाइयों की तरह है, और तुम बात भी बात इसे मेरे लिए क्यों बदगुमान करती रहती हो? इसलिए आई हूं कि साफ साफ बात करो। रशीद असल में खालिद तुमसे माफी मांगने आया है। उस दिन पता नहीं इसे बिला वजह इतना गुस्सा आ गया था, और तुमने भी तो बगैर सोचे समझे इसका गिरेबान पकड़ लिया था। खून है तुम्हारा, भाई की औलाद है ये। भाई की औलाद है इसीलिए छोड़ दिया था उसे, वरना कोई और होता तो। अच्छा ना, अब माफी मांगने आया है ना, इसे माफ कर दो। सोचो कल को इसी ने तुम्हारा सहारा बनना है। सहारा? कैसा सहारा, कैसी बातें कर रही हो नरगिस? देखो हाजरा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम बीच में मत बोलो। मैं रशीद से बात कर रही हूँ। रशीद, तुमने कुदसिया का कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना है ना? खालिद तो अपना घर का बच्चा है, देखा भाला है। अरे रशीद, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, मना क्यों नहीं कर रहे? इसे नहीं करेंगे अपनी बच्ची का रिश्ता इसके निकम्मे लड़के के साथ? निकम्मा क्यों? खैर से मेरा बेटा कमाता है, बिजली का काम करता है, अच्छी खासी कमाई है इसकी, और तो और साल दो साल में माशाल्लाह से इसने दुकान भी कर लेनी है। नरगिस, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में, अभी बेटी हमारी पढ़ रही है, तो पढ़ लिख लेगी तो फिर देखेंगे। उस वक्त डाल रही है दुकान भी, देख लेता हूँ कितना दम है तुम्हारी बातों में। देख रशीद, अपनी बात पे अब कायम रहे ना, इंशाल्लाह साल दो साल में मेरे बेटे ने दुकान कर लेनी है, फिर तुझे रिश्ता देना पड़ेगा। देखेंगे उस वक्त, अभी बड़ा टाइम पड़ा है साल दो साल में। अच्छा रशीद, फिर तो मैं मिठाई के डब्बे के साथ ही मिलूंगी। चल खालिद। क्या किया तुमने रशीद? नरगिस के साथ तुमने रिश्ते की बात क्यों की? अरे टालने के लिए किया, और किस लिए? और फिर अगर वो मिठाई का डब्बा लेकर आ गई तो? अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ माँ बेटों को, तो मैं ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अभी हमारी बेटी ने पढ़ना है, अफसर बनना है, और वो ऐसे ही करेगी। तुम छोड़ो, खाना खाओ। नहीं खाना मुझे। अरे खा लो, तुमने कब से खाना नहीं खाया, कुछ तो खा लो। मेहमा चाचा। अरे हाँ बेटा, चाय। इस वक्त चाय? जी वो नेबर्स में से आंटी आई थी, उनके लिए बनाई थी, तो थोड़ी ज्यादा बन गई थी। चलो बेटा खुश रहो। अब ये लॉन बहुत खूबसूरत है, ये पौधे आपने लगाए हैं? बस बेटा यही समझ लो,
ये सब मेरे हाथ की मेहनत है। बहुत प्यारा है। आप वहां बैठ के आराम से चाय पी लें। ठीक है बेटा, आप देखो इस लोन को। मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है रिदा, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। ये सब कुछ उसे बोलते हुए इब्राहिम ने कुत्सिया से मेरे सामने मोहब्बत का इजहार किया। तो अनाया कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इब्राहिम तुमसे नहीं कुत्सिया से मोहब्बत करता है? वो कुत्सिया से कैसे मोहब्बत कर सकता है रिदा? वो कुत्सिया से मोहब्बत नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। तुम जानती हो अच्छी तरह से कि वो शुरू से मेरे साथ था, मेरा दोस्त था वो। ये तो वो कुत्सिया है जिसने इब्राहिम को अपनी जाल में फंसा लिया है। हो सकता है कि तुम्हें ऐसे लगता हो अनाया, पर हकीकत इसके बरक्स हो। हकीकत सिर्फ यही है कि मैं इब्राहिम से और इब्राहिम मुझसे मोहब्बत करता है, यही सच है। और अगर ये सच ना हुआ ना तो मैं उसको झूठ में बदल दूंगी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आई एम गुड, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाया, मैं थोड़ी देर के लिए क्लब जा रहा हूँ, तो आज डिनर साथ करेंगे। अंकल एक बात तो बताएं, मेरे पापा भी क्लब जाते हैं, लेकिन वो आपकी तरह इतने यंग और हैंडसम नहीं है। आपकी फिटनेस का राज क्या है, क्लब या फिर कुछ और? मेरी फिटनेस का राज अच्छी डाइट और एक्सरसाइज है। ओके, see you. Hi. नाया, माय पापा इतने यंग हैंडसम और फिट हैं। कसम से अगर वो तुम्हारे पापा ना होते ना तो मुझे उन पे कब का क्रश हो जाता। ट्रस्ट मी। ऐसी बातें कर रही हो रिदा, पापा हैं वो मेरे। कितना खूबसूरत ड्रेस है, शायद अनुषे कहीं बाहर जा रही है। और ये रिस्ट वॉच कितनी खूबसूरत है। ये सब कुछ कितना अच्छा है। ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या वो मैं? बोलो ना मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आउटफिट को अपने साथ लगाने की? जानती हो कितना महंगा आउटफिट है ये? अपनी महीनों की सैलरी से भी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकती हो तुम। मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहन के जा रही थी इसको, तुमने इसको अपने साथ लगा के मेरे दिल से हटा दिया। ये दफा हो यहां से, दफा हो यहां से।
बेटा तुम जल्दी आ गए? जी मामा, एक्चुअली एक काम था, मैं अभी बस रेडियो के जा रहा हूँ, वापस आने में देर हो जाएगी। अच्छा सुनो बेटा, वो तुम जाते हुए अनुषे को ड्रॉप कर देना, घर की दूसरी गाड़ी ना सर्विस के लिए लेके गया ड्राइवर। चलिए ठीक है, उससे कहें कि जल्दी से रेडी। मैं बोलती हूँ सर। मामा ये देखे, ये देखे, इस लड़की ने मेरा नया आउटफिट बर्बाद करके रख दिया है। कैसे बर्बाद कर दिया बेटा? मामा जब मैं शावर लेके निकली हूँ तो मेरी नई शर्ट अपने साथ चिपका के खड़ी हुई थी। रियली? लेकिन कुत्सिया ऐसी लगती तो नहीं है, फिर ऐसी बेवकूफों वाली हरकत क्यों की है उसने? मामा आप तो कर दी ना, अब मैं क्या करूं मुझे ये बताएं आप। इट्स ओके बेटा, उसने अपने साथ ही लगाई है ना, पहनी तो नहीं है, पहन लो तुम उसे। मामा इट्स नॉट ओके, मेरी नई शर्ट को एक लड़की अपने साथ चिपका के इतनी देर तक खुद को महारानियों की तरह शीशे में देख रही है और मैं उसकी उतरन पहन लूं? जो लड़की मेरी उतरन पहनती है मैं उसकी उतरन पहनूं? अच्छा बस, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी तो नहीं है ना, जाओ कोई और नया जोड़ा निकाल लो, जाओ। वो तो मैं पहन लूंगी मामा, लेकिन आप उसको अपनी जबान में समझा दें वरना मैं उसकी क्लास लूंगी, क्योंकि वो दोबारा ऐसी हरकत करेगी, बहुत घटिया है वो। ठीक है मेरी जान, मैं पूछ लूंगी उसे, अभी तुम जाओ जल्दी से जाके तैयार हो, मैंने इब्राहिम को कहा है कि वो जाते हुए तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देगा, जाओ। शाबाश, सारा मूड मेरा खराब कर दिया इस कुत्सिया ने। लेकिन मैं हमारे ताल्लुक को दोस्ती से भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते इब्राहिम। कम ऑन अनाया, वो हमारी क्लास फेलो है, और वैसे भी तुम उसके नाम से इतना चिढ़ती क्यों हो? वो तो ना किसी से बात करती है ना कुछ और, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं मालूम था कि कुत्सिया से मेरी अनजानी नफरत की वजह इब्राहिम की मोहब्बत हो, लेकिन अब इब्राहिम को पाने के लिए मुझे कुत्सिया के लिए यही नफरत इब्राहिम के दिल में डाली। हाय नाया, कैसी हो? मैं ठीक हूं आदि, लेकिन तुम कहाँ गायब हो? मैं जहाँ भी रहूँ तेरी याद साथ है। फजूल बातें नहीं करो अली, मुझे ये बताओ कि कहाँ पर हो तुम? अरे यार, मैं बस तुम्हारे घर के करीब से ही गुजार रहा था, कोई प्लान है आज का तो बताओ, तुम्हें पिक करूँ? मेरे गेट पर आके कॉल करो मुझे। अच्छा चलो ठीक है। जानती हो कितना महंगा आउटफिट है ये? अपनी महीनों की सैलरी से भी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकती हो तुम। मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहन के जा रही थी इसको, तुमने इसको अपने साथ लगा के मेरा दिल से हटा दिया ये। अच्छा क्या बात, बता भी दो बेटा, जब से आई हो मुंह लटका के बैठी हुई हो।
कोई बात नहीं है क्या? अम्मा क्या दुनिया की नेमतों पे सबका हक नहीं है? सब इंसान बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है। सिर्फ कहने की बात है, अगर बराबर है तो ये तफरीक कैसी? किसी के पास बहुत कुछ है और कोई छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसता है। कहीं बड़े बड़े बंगले खाली पड़े हैं, वीरान हैं, और कहीं तो छोटे छोटे कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। कहीं खाना बच जाने पर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, और कहीं गरीब दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है, अपने बच्चों को भूखे पेट सुलाता है। ये कैसी बराबरी है? ये कैसी बराबरी है मां? ये तो बेटा अल्लाह ही जाने, उसी का निजाम। वो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अच्छा बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ। बताऊं आपको अम्मा, गरीब होना कितना तकलीफ दे होता है। आज एहसास हो मैं आपको कितना छोटा और कमतर महसूस कर रही थी मैं अनुषा के सामने। ये तो अब जाके पता चला कि किसी की उतरन पहनने में और नए कपड़े पहनने में फर्क होता है। आटों के रास्ते हैं बस मेरे अफसाने में, कर्ब हमने झेला बहुत तुमको मनाने में। नैना रे नैना नैना। क्या हुआ अली, कहाँ थे तुम? तुम तो कुत्सिया का थप्पड़ खा के ऐसे गायब हो गए जैसे पता नहीं क्या हुआ। अनाय प्लीज कोई और बात करो यार, मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम जानती हो हम आज इतने अरसे बाद मिले, और तुम उस पे भी उस कुत्सिया का जिक्र करके मेरा मूड ऑफ मत करो यार। क्या गुस्सा आ रहा है? तुम गुस्सा ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? कहना क्या चाहती हो तुम? उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हें थप्पड़ मारा है और तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। ये तुम्हारे लिए इतनी मामूली सी बात है? कोई मामूली बात नहीं है, ये मेरी अना और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। उस थप्पड़ का तो मैं उसे वो मजा चखाऊंगा कि वो याद करेगी हमेशा। एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तुम ये कब से कहते आ रहे हो और मैं सुन रही हूँ? तुम अपना बदला कब लोगे? तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करना। कुछ सोचो, कुछ करो, उसके बारे में मालूमात करो। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, किससे मिलती है, तभी तुम अपना बदला ले सकते हो। उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, और हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं ऑलमोस्ट। हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन वो ना वो अपने घर किसी को बुलाती और ना ही किसी के घर जाती। तुमने उसके बारे में मालूमात कर ली ना, तो तुम उससे बदला भी ले लोगे आराम।
कुत्सिया, बेटा तुम अभी गई नहीं हो? तुम्हारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं बाहर। जा रही हूँ माँ, हालांकि दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन छुट्टी भी नहीं कर सकती। अच्छा वो डॉक्टर ने क्या कहा, आपकी तबीयत अब ठीक है? पहले से थोड़ी बेहतर है, कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं और मजीद कहा है कुछ दिन आराम कर लो। मजीद कुछ दिन? मैं जानती हूँ तुम्हें काफी तकलीफ का सामना है, तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, कल से मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं अम्मा, क्या हो गया आपको? मुझे तो आपकी तबीयत की फिक्र है, मैं मैनेज कर लूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है? रात हमें एक साथ डिनर करना था, काफी तुम्हारा वेट करता रहा, अगर तुम कुछ ज्यादा ही बिजी थी, तुमने मेरा फोन भी पिक नहीं किया। खैर अभी तो आओ, साथ नाश्ता करते हैं। मैंने नाश्ता करना छोड़ दिया है पापा। कब से? जब से आपने घर पे रहना छोड़ दिया। नैना रे नैना नैना, बरसो रे मेरे हाल पे।